टॉप 3 माइनक्राफ्ट के मिथ, क्या ये सच में काम करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, अगर हम पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी का यूज करके क्रीपर के पास जाते हैं तो वो क्रीपर ब्लास्ट नहीं होता। ओके, चेक कर लेते हैं। ये हो गए हम इनविजिबल और अब चलते हमारे क्रीपर के पास। ओके, तो ये मिथ सही है, क्रीपर ब्लास्ट नहीं हो रहा है, बट जब तक हम स्नीक पकड़े रखे तब तक। जैसे मैं स्नीक छोड़ूंगा और ये बूम। नंबर 2, अगर हम एक TNT को इग्नाइट करके स्लैश की लिख देंगे तो वो TNT डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, ये भी चेक कर लेते हैं। ये गया हमारा TNT और ये करा TNT को इग्नाइट और लिख दिया स्लैश किल। ओके, और रिस्पॉन होते और देखते हैं। ओके, सो रिस्पॉन होते ही TNT फिर से अपीयर हो गया और ब्लास्ट होता है, तो ये मिथ तो बस्टेड है। नंबर 3, अगर हम जोम्बी पिगलिन को एक ही हिट में मार देंगे तो बाकी के पिगलिन हम पे अटैक नहीं करेंगे। ओके, ये वाला मिथ भी चेक कर लेते हैं। ये गया हमारा पिगलिन एक हिट में। ओके, सो ये मिथ तो कन्फर्म है, बाकी के पिगलिन हम पे अटैक नहीं कर रहे। अगर आपको माइनक्राफ्ट के और भी OP मिथ्स पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, हम वो भी ट्राई करेंगे।